हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन इस वीडियो थ्री ऑफ द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताया जा रहा था। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो किस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना, संवैधानिक राजतंत्र बना। नेशनल असेंबली जो थी कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, प्रारूप तैयार किया इन 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट पावर ऑफ मोनार्क। इसका मुख्य उद्देश्य था जो राजतंत्र की शक्तियाँ हैं, जो राजा की शक्तियाँ हैं, उसको सीमित किया जाए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पावर पर्सन। जो ये शक्तियाँ थी इंस्टेड ऑफ बीइंग एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित करने के बजाय वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। बल्कि सभी संस्थानों में सेपरेट करना इनका मुख्य लक्ष्य था। द लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो चाहते थे कि जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होके सभी में, सभी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें समान रूप से डिवाइड की जाए, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो। हाउ द न्यू पॉलिटिक्स सिस्टम वर्कड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 की अगर हम बात करें, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो पावर बनाए गए विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जहाँ इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, दिस दैट इज अ सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। ये क्या है, सिटीजन जो थे वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टर्स के लिए वोट किया गया। हु इज टर्न टू चूज द असेंबली, नॉट ऑल द सिटीजन। लेकिन जो वोट किए गए थे वहाँ सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबव 25 ईयर ऑफ एज, केवल वो मैन जिनकी एज 25 से ऊपर थी और हु पेड टैक्स इक्वल टू एटली 3 डेज ऑफ लेबरर वेजेस, जो अपने 3 दिनों की मजदूरी का टैक्स के रूप में दिया करते थे, उन लोगों को ही वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का राइट दिया गया था दैट दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वेयर, जो बचे हुए सभी पुरुष और महिलाएं थे, वेज क्लास्ड एज ए पैसिव सिटीजन। उनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था, मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। जो वेल्थी नहीं थे, धनी नहीं थे, जो बहुत गरीब थे और जो वुमेन्स थी, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर एंड देन ए मेंबर ऑफ द असेंबली मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रेकर ऑफ टैक्स पेयर। वोट देने के लिए वहाँ ये जरूरी था कि एक पर्सन को हायर पेयर टैक्स पेयर होना चाहिए। जब वो टैक्स देने यानी वेल्थी पर्सन था, प्रॉपर्टी वाला था, तभी उसे वोट देने के राइट थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो सिस्टम था वहाँ पर, जुडिशरी सिस्टम हम देख रहे हैं। जज जो था वोट, एक्टिव सिटीजन वोट करते थे तब जज बनता था, तो जो इंटाइटल वोट करते थे। इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव थी वहाँ की, लेजिस्लेटिव में कैसे आते थे लोग, नेशनल असेंबली में वोट करके भेजा जाता था इलेक्टोर के द्वारा, और वोट एक्टिव सिटीजन के द्वारा किया जाता था। और यही नेशनल असेंबली और किंग, एग्जीक्यूटिव किंग के उसमें माना जाता था, और जो मिनिस्टर्स होते थे नेशनल असेंबली में, पर राजा क्या कर सकता है, वीटो लगा सकता था। लेकिन राजा की जो शक्तियां थी सीमित तो हो गई थी, राजा की शक्तियां सीमित करने के लिए ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल में पावर डिवाइड की गई थी, क्योंकि केवल एक व्यक्ति के हाथ में ही पूरी पावर होना सही नहीं माना गया। पैसिव सिटीजन में 3 मिलियंस मैन ऐसे थे लगभग जो पैसिव थे, जिन्हें वोट देने का राइट नहीं, वो तो गरीब होते होंगे या वुमेन्स, चिल्ड्रेंस और यूथ 25 ईयर से नीचे के, पर उनमें भी वो लोग ही को वोटिंग राइट थे जो कैपेबल थे, जो टैक्स पेयर थे, जिनके पास काफ़ी वेल्थ थी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है वी गेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो हमारा राइट्स है एक मनुष्य का, सिटीजन का, साइड राइट सच एज द राइट टू लाइफ, ऐसा राइट, राइट टू लाइफ,
जीने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने हमें क्या है, समानता मिली हुई है, कानून की नजर में हर कोई समान है। इस्टेब्लिश एज अ नेचुरल फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कानून के नमक समानता एंड इन एलिनाइबल राइट्स दैट इज बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग, जो हर एक ह्यूमन राइट को मिलने चाहिए जन्म से, बाई बर्थ, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और जिन्हें छीना नहीं जाना चाहिए। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, यह राज्य का ड्यूटी होना चाहिए कि स्टेट टू प्रोटेक्ट ई सिटीजन, कि हर सिटीजन के इक्वल राइट को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर डिक्लेरेशन है हमारे पास राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, हर आदमी के कुछ राइट्स हैं जिनका घोषणा किया गया है। देखते हैं वो क्या कहता है, कहता है जो हमारे राइट्स हैं जो फ्रांस में हर सिटीजन को दिए गए, कानून के आधार पर हर व्यक्ति समान था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ दिया गया, इक्वलिटी बिफोर द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में हर कोई समान माना गया, पर वोटिंग राइट क्यों नहीं दिए गए सभी पुरुषों को जो वेल्थी हो या पुअर हो, और सभी वुमेन्स को, डिस्क्रिमिनेशन क्यों था वहाँ, यानी सप्रेजी मूवमेंट चलाया गया था वहाँ पर महिलाओं के द्वारा, जैकोबिन्स क्लास बनाए गए थे। पर हम यहाँ बात करेंगे जो मैन आर बॉर्न रिमेन्स फ्री एंड इक्वल इन राइट, ये कहता है कि हर व्यक्ति जो है वो बॉर्न जो पैदा हुआ है वो स्वतंत्र है, हर व्यक्ति जो जन्म लिया है वो स्वतंत्र है, इक्वल इन राइट, और उनको जो अधिकार मिले हैं उसमें वो समान है, सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले हुए हैं और जन्म से वो फ्री है। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, हर जो राजनीतिक संघ है उसका उद्देश्य है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट ऑफ मैन, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो नेचुरल है, प्राकृतिक और इनएलिनेबल राइट्स हैं मैन के, उसको देने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित है। यानी कि हर पॉलिटिकल हर राजनीतिक संघ का उद्देश्य किसी के प्राकृतिक जो और इनएलिनेबल राइट्स हैं मैन के उसको प्रिजर्व करना है। दे आर लिबर्टी, वो क्या है, जो लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है और सिक्योरिटी है एंड द रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, यानी कि अत्याचारों के अगेंस्ट विद्रोह करने का अधिकार है। अगर उसे अत्याचार होता है और उसे परेशान किया जा रहा है या उसका एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है तो उसको रेसिस्टेंस विद्रोह करने का भी अधिकार है, उसको अपने स्वतंत्रता में प्रॉपर्टी गेन करने का और अपनी सुरक्षा का अधिकार है। थर्ड ये कहता है द सोर्स ऑफ ऑल सोवरनिटी, जो सभी संप्रभु रिसाइड्स हैं देश में, संप्रभु जो नागरिक हैं, नो ग्रुप, कोई भी संघ, कोई भी ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, कोई भी ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी अथॉरिटी जो है डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, वो पीपल से नहीं आती है। इट मीन्स कि जो राष्ट्र में रहता है वो संप्रभुता को अपनाएगा और कोई भी ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी को वो ज़्यादा पावरफुल नहीं कर सकता है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर, जो लिबर्टी है, लिबर्टी में पावर है टू डू वट एवर इन द इंजोरियस, जो कुछ भी इंजोरियस है दूसरे के लिए। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली द एक्शन दैट आर इंजरी, ये जो कानून है उसके बाद वो अधिकार हैं जिसमें हम किसी के एक्शंस को फॉरबिड कर सकते हैं, रोक सकते हैं जो समाज के लिए घातक हैं। समाज के लिए घातक होने वाले किसी मनुष्य के जो या किसी संघ के नियम है हम उसको रोक सकते हैं। लॉ इज अ एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, एक लॉ क्या है, किसी व्यक्ति की जनरल विल, इच्छा है, एक्सप्रेस अभिव्यक्ति है कानून। ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन, सभी सिटीजन के पास ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें और इसको बनाने का। पर्सनली और दो दियर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजन आर इक्वल, जितने प्रतिनिधि होते हैं वो सभी प्रतिनिधियाँ जो भी सिटीजन्स हैं वो सभी क्या हैं, इक्वल हैं। नो मैन मे बी एक्यूज, आरोप लगाना, अरेस्ट करना और डिटेन करना, जेल में डालना नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ, जब तक कि कानून ये निर्धारित ना कर दे कि वही आदमी दोषी है।
यानी ये डिसाइड लोग नहीं करेंगे, पुलिस नहीं करेगा, ये डिसाइड कोर्ट करेगी कि वेदर वो दोषी है या नहीं है। एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, हर नागरिक को बोलने का, लिखने का और प्रिंट करने का अधिकार है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे क्या लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी, अगर उसी लिबर्टी को अब्यूज किया जाता है इन सच डिटरमाइंड बाय लॉ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड द फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए खर्च के लिए या पब्लिक फोर्स के लिए कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल, जो सामान्य टैक्स है वो जरूरी है। इट मस्ट बी एसर्ट इक्वली ऑन ऑल सिटीजन, लेकिन वो सभी नागरिकों में बराबर रूप से लगाया जाना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू दियर मीन्स। सिंस प्रॉपर्टी इज स्कैर्ड एंड इनवेलेबल राइट, जो प्रॉपरली हम देखें प्रॉपर्टी इज स्कैर्ड एंड इनवेलेबल राइट्स है, नो वन मे बी डिप्राइव्ड, किसी को भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इट अनलेस ए लीगली स्टेब्लिश है पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर इन द केस जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन, लेकिन अगर किसी की संपत्ति को कोई नुकसान होता है, आइदर वो नेचुरल डिजास्टर से है या अदर किसी कंडीशन से, तो उसे कंपनसेशन यानी मुआवजा पाने का क्या है, पूरा अधिकार है। ऐसे अगर हम फ्रांस में देखें, जो एबोलिश किया गया था मोनार्ची को, वो किस तरीके से किया गया और कैसे वो रिपब्लिक बना, बैन मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक, मोनार्ची पर रोक लगा दी, निषेध किया गया राजतंत्र को और रिपब्लिक बना फाइनली। जैसा कि हम जानते हैं जो सिचुएशन थी फ्रांस में, कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, उस कुछ सालों में जो कंडीशन थी फ्रांस की टेंस रही। ऑल दो हालांकि जो लुई 16 था है साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान पर साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर करने के बाद ही इंटर्ड इन टू सीक्रेट नेगोटिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया, उसकी एक गुप्त क्या हुई, बैठक हुई जिसमें नेगोटिएशंस किया उसने पर्सिया के राजा के साथ, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री, जो अन्य नेबरिंग कंट्री के रूलर थे, टू वेर वरीड, वो भी फ्रांस के विकास के से चिंतित थे, के लिए चिंतित थे, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस, और वो राजी हो गए थे कि वो वहाँ अपनी सेना भेज सकते हैं, प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स, जो वहाँ इवेंट्स होते थे उसको पुट डाउन करने के लिए, हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789 में, बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ऐसा होता है द नेशनल असेंबली वोटेड, नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया 1792 में टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया में हमला करने के लिए युद्ध घोषित कर दिया, वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर थ्रॉंग फ्रॉम द प्रोविनेंस, कई सारे जो वॉलेंटियर्स थे, जो इच्छुक थे, थ्रॉंग के फ्रॉम द प्रोविनेंस टू ज्वाइन आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल, उन लोगों को ये लगा जो वॉर ऑफ पीपल हो गया था, ये अगेंस्ट किंग, राजा के अगेंस्ट जनता का युद्ध, एरिस्टोक्रेसीज एंड ओवर यूरोप, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे, इस पेट्रियोटिक सॉन्ग में दे सॉन्ग एज ए मार्सलीज कंपोज बाय पोएट ट्रोगर डी इसली, इट वाज ए सॉन्ग बाय फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर, मार्सलीज के द्वारा गाया गया था, फ्रॉम मार्सलीज दे, मार्सलीज ने ये क्या किया था, मार्च इन टू पेरिस, मार्सेली से पेरिस की और उन्होंने कूच किया था, एंड सो इट गेट, तभी उनका इसका इस सॉन्ग का नाम मार्सेलीज पड़ा, और बाद में यही मार्सेलीज जो था फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। अगर हम रिवॉल्यूशनरीज की बात करें, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी ये युद्ध ब्रॉड लूजेज एंड इकोनॉमिक जो डिफिकल्टीज थी, हमने ये देखा टू द पीपल वाइल द मैन वेर अवे फाइटिंग,
तो किस तरह से जो रिवॉल्यूशनरी थे वॉर ब्रॉड लूजेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इस आर्थिक परेशानी से लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई। वाइल द मैन वेर अवे फाइटिंग एट फ्रंट, वुमेन्स वेर लेफ्ट टू कोप। जो वुमेन्स थे उन लोगों ने कोप किया विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग, परिवार चलाने के लिए, लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर दियर फैमिलीज, परिवार चलाती थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो था वेर कन्विंस दैट रिवॉल्यूशन हैज टू बी कैरीड, जो रिवॉल्यूशन है कैरी फर्दर आगे किया गया। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था गेव पॉलिटिकल राइट, इससे वहाँ पॉलिटिकल राइट मिले ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, केवल धनी वर्ग को ही मिले पॉलिटिकल राइट, धनी लोगों को ही वोट देने का राइट था। और जो पॉलिटिकल क्लब थे बिकेम इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स बने, पॉलिटिकल क्लब भी बनाए गए वहाँ पर, एंड फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो क्या करते थे गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए डिस्कस करते, एंड प्लान्स द ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे इस क्लब में, वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन विच गॉट इट नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट एसटी, जो जैकोब थे पेरिस में। इस तरीके से हमने देखा जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे इस क्लब में, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि द मोस्ट सक्सेसफुल जो थे दिस क्लब वॉज दैट ऑफ जैकोबिन्स विच गॉट इट नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ एसटी जैकोब, जो पेरिस में एसटी जैकोब थे उनके आधार पर इसका नाम जैकोबिन्स रखा। वुमेन्स टू, महिलाएं भी थी, हु हैड बीन एक्टिव, जो काफ़ी एक्टिव थी थ्रू आउट दिस पीरियड, फॉर्म देयर ओन क्लब, उन्होंने भी अपना क्लब बनाया था। सेक्शन फोर ऑफ दी चैप्टर में हम बताएंगे कि किस तरह से इन एक्टिविटीज़ की ज़्यादा डिमांड और कैसे बढ़ी थी, इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में और इनकी मांगों के बारे में। द मेंबर्स जो थे ऑफ जैकोबिन क्लब के बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस, जो क्रम समृद्ध थे समाज में, जो ज़्यादा रिच नहीं थे, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थे, उन लोगों का एक ग्रुप था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। समाज के वो सेक्शन जो ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं थे, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, उनमें छोटे छोटे दुकानदार थे, आर्टिशियंस थे, जैसे कि शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक जो पेस्ट्री बनाते थे, एंड वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज द सर्वेंट भी थे वहाँ पर, दो डेली वेज वर्कर, दो डेली वेजेस वर्कर भी थे जो डेली वेज पे काम करते थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और उनका जो नेता था, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। लास्ट ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड, और जो बहुत ज़्यादा ग्रुप थे जैकोबिन से, उन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रीप्ड ट्राउजर। सही सदस्यों ने, ग्रुपों ने डिसाइड किया जैकोबिन्स के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वियरिंग लॉन्ग स्ट्रीप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे, धारी वाला स्ट्रीप्ड ट्राउजर, सिमिलर टू दोज, उन्हीं के सिमिलर था दोज वोर्न बाय द डॉक वर्कर, जो बड़े डॉक वर्कर्स थे उन लोगों के द्वारा पहने जाते थे, उसी तरह के पहनने का निश्चय किया। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ, ऐसा करने के पीछे उनका जो लक्ष्य था, अपने आप को अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में फैशनेबल सेक्शंस जो था उनकी तरह दिखाना था, स्पेशली नोवेल्स, जो कि नोवेल्स थे जो उच्च वर्ग के थे, उन लोगों के कपड़ों की तरह, हु वोर नी बीचेज, जो नी बीचेज पहनते थे, एंड इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर, और इस तरीके से किस वे ऑफ जो प्रोक्लेमिंग था उनका एंड ऑफ पावर, बिल्डेड बाई द वियरस ऑफ नी ब्रीचेज, वो जो दावा करते थे द एंड ऑफ पावर, उस शक्ति का जो बिल्डेड बाई द वियरर ऑफ नी ब्रीचेज पहनते थे, दे जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज एंट। तो किस तरीके से हमने देखा दो जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज अ
सांस्क्लूटिज लिटरेली मीनिंग दोज, वो लोग जो बिना नी ब्रीचेज के होते थे। सांस्क्लूटिज मीन्स वोर इन एडिशन टू द रेड कैप, लाल टोपी पहनते थे, जो लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। वुमेन्स हावर वेर नॉट अलाउड, हालांकि वुमेन्स को ऐसा करना अलाउड नहीं था।